दोस्तों मेरे काफ़ी व्यूवर ने मैथों एक सवाल जरूर पूछा होंगे कमेंट विच कि जमीन की रजिस्ट्री किमें बनाई जाए, मतलब की डिटेल होंगी है, की प्रोसैस होंगे जमीन की रजिस्ट्री करवाने का। अज की वीडियो आप गल करेंगे रजिस्ट्री तो पहला आपको करना की चाहिए है, महत्वपूर्ण डाकूमेंट कि रजिस्ट्री वे जो लगते हैं, जो इस अस्टाम या स्टैंप का डिटेल होंगी है वह कि होंगी है। तो जो वीडियो बेनीफिशियल लगती दोस्तों चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो, तो वीडियो में लाइक कर लो। सब तो पहले कुछ महत्वपूर्ण गल्ला तुम्हें दस दिना, तो सब तो पहले आप करते हैं कि अपने लोड़ अनुसार एक प्लाट लभदे हैं, वो प्लाट जो हो जाता आप डीलर की हैल्प ना लभ सकते हैं, जो सीधा आप जो प्लाट का ओनर है उसको मिल के वो प्लाट परचेज कर सकते हैं। दोस्तों पर डीलर की हैल्प ना लभदे हैं तो आपको प्लाट का रेट देना पैंता है, जिन्हें पैसों का प्लाट का अपना सौदा बनता है प्लस डीलर की कमीशन देनी पैंती है। बट आप सीधा जो ओनर नाल मिलते हैं, जिसका प्लाट एग्जाम्पल के तौर पर जिम मैं किसी कोई प्लाट ले रहा हाँ, जे मैं उस प्लाट के मालिक नाल ही मिलना तो सीधा मैं सिर्फ प्लाट का जो प्राइस देना पैंता है, ना कि डीलर की कोई कमीशन। तो प्लाट मिल जाने तो बाद आपको करना की चाहिए, सब तो पहले आप आस पास बेच या किसी तो भी प्लाट की जानकारी लैनी चाहिए है, पूछगिछ करनी चाहिए है, पता करना चाहिए कि इस प्लाट को बेच कौन रहा है, तो जिहड़ा बेच रहा उस कोल यह अधिकार है या नहीं इस प्रॉपर्टी को बेचने का। सब तो पहले आप करिए जायदाद के सारे डाकूमेंट ने रियल ने जोड़े वह चैक करते हैं, तो उस बेच जे जो बेच रहा है ओनर उसका नाम उत्ते वह जमीन है तो अपन कोई प्रॉब्लम वाली गल नहीं होंगी। बट जे पावर ऑफ अटर्नी उसके मतलब कि रजिस्ट्री उसके नाम पर नहीं है, पावर ऑफ अटर्नी उसके नाम पर है, तो चंकी तरह रीड करो तो चैक करवाओ किसी चंगे वकील को कि यह डाकूमेंट सही हैं या नहीं। तो सब तो पहले अपन उस तो बाद अपन पता करना चाहिए कि इस प्लाट उत्ते कोई केस तो नहीं लगे हुआ, कोई अदालती कोई रौला तो नहीं चलता इन्हों का, इसलिए अपन पूरी जानकारी कढ़ा लेनी चाहिए, आस पड़ोस तो यह गल्लां पता लग जाए ने। दोस्तों प्रॉपर्टी के डाकूमेंट देखने तो बाद हुण बारी आती है पेमेंट मोड की, आप पेमेंट करना हुंदा प्लाट का जिन्हें भी अपना सौदा बनाया हुंदा, जिन्हें भी रुपया आप उन्हां दी पेमेंट करनी होंदी है। तो दोस्तों कोशिश रखो कि जिहड़ी कि पेमेंट है तुसी बैंक चैक या नैट बैंकिंग द्वारा ही करो, तो कदे भी कैश पेमेंट ना करो, रजिस्ट्री तो पहला पेमेंट ना करो, तो प्लस जदों पेमेंट करते हो तो दो गवाह अपने नाल रखो, ताकि फ्यूचर विच इन केस कोई प्रॉब्लम होंदी है तो वह गवाही दे सकते हैं कि हाँ जी साढ़े सामने इन्होंने पेमेंट की है। तो अगे गल करिए दोस्तों, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, हरेक जायदाद जिहड़ी भी प्रॉपर्टी है इनकेस पंजाब विच जिहड़ी भी प्रॉपर्टी है उसके दो रेट होंगे, एक तो गवर्नमेंट रेट होंगे एक सैलिंग रेट होंगे। दोस्तों गवर्नमेंट रेट के अनुसार रजिस्ट्री उत्ते अस्टाम लगते हैं, तो सैलिंग रेट वो ज़्यादा होंगे तो गवर्नमेंट रेट कम होंगे, तो हर स्टेट का अलग अलग जो गवर्नमेंट रेट है वो अलग होंगे, तुम ऑनलाइन चैक कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर पंजाब का जे तुसी सरकारी रेट चैक करना चाहो तो ऑनलाइन चैक कर दो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाओ, जिस पर जाके सीधा पंजाब की गवर्नमेंट साइट है जी, जिस पर आप सरकारी रेट चैक कर सकते हैं उस उपर पहुँच जाओगे क्लिक कर दे। तो हुण दोस्तों आप गल कर लें जो महत्वपूर्ण दस्तावेज किहड़े ने रजिस्ट्री कराने समय आपको किहड़े डाकूमेंट की जरूरत पैंती है। तो प्लाट मालिक की गल करिए उस कोल फोटो और पछाण सबूत होने चाहिए ने, प्लस एक फोटो जो प्लाट वो बेच रहा है उस विच खड़े होके उसकी होनी चाहिए है फोटो, तो जो प्लाट खरीद रहा है उस कोल फोटो और पछाण के सबूत होने चाहिए ने, दो गवाह ने जिहड़े उन्हां कोल भी फोटो और पछाण के सबूत होने चाहिए ने। तो अपना सौदा बनने तो बाद हुण अगला जो प्रोसैस है वो रजिस्ट्री कराउंदा है, सब तो पहले आपां किसी वकील नाल मिलना पैंदा है। दोस्तों वो अगे पूरे फॉर्म तैयार करता है, तो इस फॉर्म तैयार करने की वो फीस 10,000 तो 15,000 तक लै लेंदा है, पर जिहड़े अस्टाम लगते हैं सरकारी अस्टाम लगते हैं उन्हों का खर्चा वखरा होंदा, कम तो कम 40-45 हज़ार के अस्टाम लग जाते हैं उपर। तो जिहड़ा पूरा प्रोसैस है रजिस्ट्री के फॉर्म तैयार करने विच वकील नूं 2 घंटे का समा नॉर्मली लग जाता है। जो सारे फॉर्म तैयार हो जाते हैं दोस्तों रजिस्ट्री के, जो वकील तुहाडे हाथ में सारे फॉर्म्स फड़ा देता है, उस तो बाद आपां नूं करना क्या रजिस्ट्रार दफ्तर भी जाना है, तो उस ऑफिस में आपां नूं 3 काउंटर फेस करने पैंदे ने, जिहड़े पहले काउंटर से जो आप जाने तो उत्थे अपने तो पूछा जाता है जो खरीददार है तो जो प्लाट बेच रहा है, उस तो प्लाट का कीमत बारे पुछते हैं कि तुम किन्ने रुपये में यह खरीदया है तो किन्ने रुपये में तुम ये बेचा है। तो इतने आप करना की होंगे जो गवर्नमेंट रेट होंगे सैलिंग का
ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੌਦਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਸਾਢੇ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਦੋਨਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਕੈਨ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਕਾਊਂਟਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।